नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनिता चरित आवाज के इस खास प्रोग्राम स्पेशल बुलेटिन फॉर बहुजन कम्युनिटी के एक और एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बहुजन समाज से जुड़ी हुई उन खबरों की जिन्हें गोदी मीडिया और चाटकारता मीडिया आपको कभी नहीं दिखाती है। इस प्रोग्राम में स्पेशल हम उन खबरों को कवर करने की कोशिश करते हैं जो आपके जीवन से जुड़े हुए होते हैं, उन पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं जिन्हें आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि आखिर बिहार में कितनी भर्तियों को नीतीश तेजस्वी सरकार करने जा रही है, वो कौन महिलाएं हैं जो देश भर में जो पाखंड अंधविश्वास को बढ़ाने के जो कार्यक्रम होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की मांग कर रही है। आज हम बात करेंगे देश भर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने वाले पेपर लीक मामले की, और इसी के साथ ही हम बात करेंगे बसपा की। जी हाँ, बसपा राजस्थान में एक बार फिर क्यों आई एक्शन में, क्या है पूरा मैटर, बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है, नीचे रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हम जब भी कोई नई खबर लेकर आए तो सीधा उसका अपडेट, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। पहली खबर बिहार से। बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार ने 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की घोषणा की है। बिहार में जल्द ही 1 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी, इसमें करीब 50,000 पद सिपाही के होंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय ने बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने के लिए यह पहल की है। पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को करीब 1 लाख पुलिस कर्मियों की बहाली का प्रस्ताव भी भेज दिया है। वित्त विभाग और सरकार की मंजूरी के बाद अलग अलग चरणों में बहालियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बिहार में अभी पुलिस बल की क्षमता करीब 91,000 की है। बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिस पब्लिक का अनुपात करीब 115 पुलिस कर्मियों का है। दूसरी ओर प्रति 1 लाख की आबादी पर पुलिस पब्लिक का राष्ट्रीय औसत 193.95 पुलिस कर्मियों का है। 1 लाख पदों की भर्ती होने के बाद पुलिस का अनुपात 192 हो जाएगा। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज में महिलाओं ने रैली निकालकर जातवाद छुआछूत करने वालों को देशद्रोही करार देने की मांग की है। एक संगठन से जुड़ी हुई महिलाओं का कहना है, जिसका पूरा का पूरा नेतृत्व महिलाएं कर रही है, कि जातवाद और छुआछूत करना देशद्रोह है और संविधान के अनुच्छेद 17 का उल्लंघन है। आपको बता दें कि ये महिलाएं प्रयागराज के करछाना विकास खंड के ग्राम पंचायत रामपुर में एक 20 दिवसीय जागरूकता रैली निकाल रही हैं, जो इन्होंने 5 सितंबर शिक्षक दिवस को शुरू की है और 24 सितंबर को इस रैली का समापन होगा। ये महिलाएं अपना 10 सूत्री मांग पत्र का ज्ञापन जिलाधिकारी को देंगी। सरकार से इनकी मांग है कि जातवाद आतंकवाद है, सरकार जातवाद को रोकने के लिए कानून बनाए, जात सूचक उपनाम लगाना अपराध घोषित करो, SC ST एक्ट को बेसिक शिक्षा में शामिल किया जाए, हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, अंधविश्वास पाखंड कर्मकांड को बढ़ावा देने वाले संस्थानों के भी खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी प्रकार की और भी मांगे इन महिलाओं ने की है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी बात है, खास करके बहुसंख्यक समाज के लिए, कि खुद महिलाएं आगे आकर के पाखंड और अंधविश्वास के लड़ रही हैं, पाखंड और अंधविश्वास का मुकाबला कर रही हैं और अपनी भाषा में सरकार को जवाब दे रही हैं और जवाब मांग भी रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ समाज की बहुत सी भोली भाली महिलाएं, माता बहनें, तमाम पाखंड और अंधविश्वासों में आने के चक्कर में कई बार कई बड़े हादसों के शिकार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं देश भर में किस प्रकार के पाखंड को फैलाने के लिए कई दुकानें सजाई जा रही हैं, उनकी मार्केटिंग की जा रही है, उन्हें बड़ा चढ़ाकर बता दिया जा रहा है, और इन सभी मार्केटिंग का अंतिम परिणाम क्या होता है आप सभी जानते हैं कि राम रहीम मामले में क्या हुआ, आसाराम बापू मामले में क्या हुआ, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसलिए देश की जितनी माता बहनें हैं उन्हें समझना चाहिए कि पाखंड और अंधविश्वास
से जितना दूर रह सकते हैं उतना जीवन के लिए अत्यधिक लाभकारी और सुखमय होगा। अगली खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा एक्शन में आ गई है। अगले वर्ष यानी कि 2023 में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको ज्ञात हो कि राजस्थान में लगातार दलित उत्पीड़न के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजस्थान में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रहती है। ऐसे में पूरे प्रदेश के लोगों के पास अगर कोई तीसरा विकल्प है तो वो है बीएसपी। ऐसे हालात में बीएसपी भी कोई मौका नहीं गंवाना चाहती है। शायद इसीलिए बीएसपी के राष्ट्रीय प्रभारी आकाश आनंद राजस्थान बीएसपी के मासिक कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और ट्वीट कर इसकी जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि आज राजस्थान में चुनावी तैयारी में व्यस्त कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मासिक प्रदेश स्तरीय बैठक में पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समीक्षा की। बैठक में सभी का जोश और जज्बा कमाल का दिखा। इस बार यही जुनून और मेहनत राजस्थान में बीएसपी का नीला परचम लहराएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में बीएसपी राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन जरूरत है तो जो तीसरे नंबर की ताकत है उसे वोट बैंक में कन्वर्ट करने की। आपने देखा होगा कई बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा की कई सीटें भी निकली हैं, लेकिन एंड टाइम पे कांग्रेस ने उन्हें खरीद कर पूरा का पूरा बीएसपी का खाता शून्य किया है। ये बिचने खेलने का खेल कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराना है। लेकिन ये इसके रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है कि एकदम कम से कम इतने विधायक या जब जीतेंगे सरकार में भागीदार बन के अपना वर्चस्व दिखा सकते हैं, शायद तभी ये खरीदने बेचने का सिलसिला रुक सकता है। फिलहाल देखना अभी दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी पार्टी राजस्थान में कामयाब होकर आएगी। बसपा सहित तमाम छोटी मोटी पार्टियों का क्या रोल रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में आज एक बहुत ही दर्दनाक घटना को अंजाम दिया गया है। दिल्ली में जातवादी गुंडों द्वारा दलित वकील को पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो शेयर करके दिल्ली भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु कुमार ने ट्वीट कर लिखा है कि जातवादी गुंडों ने दिल्ली में दलित समाज के वकील को उसकी जात पूछकर उसको बहुत मारा। यह हाल देश की राजधानी दिल्ली का है, तो अन्य राज्यों का क्या हाल होगा? दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथियों, YouTube गाइडलाइंस के तहत हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते हैं, केवल स्क्रीनशॉट इस घटना का हम दिखा रहे हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। प्रयागराज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। प्रतियोगी छात्रों ने इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उच्चतर शिक्षा प्रतियोगी मंच के बैनर तले अभ्यर्थियों ने प्रयागराज में बाबा चौराहे से लेकर आयोग तक मार्च निकाला। छात्रों का कहना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत की गई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। अभ्यर्थियों ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव को ज्ञापन देकर भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे इंकलाबी नौजवान सभा के प्रदेश सचिव सुनील मौर्य का कहना है कि राजनीति विज्ञान में एक चयनित छात्र ने 95 से 92 प्रश्न सही किए हैं। 3 प्रश्नों के उत्तर आयोग ने अंतिम समय में उत्तर कुंजी में बदल दिए। ऐसे में बिना पेपर लीक हुए कोई भी अभ्यर्थी 92 प्रश्न सही नहीं कर सकता। तो साथ ही ये बड़े आरोप उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों ने लगाए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में युवाओं के भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक करने का मामला कोई नया नहीं है। पेपर लीक करने के मामले में कोई भी राज्य अछूता नहीं रहा है। कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, कभी गुजरात, उत्तराखंड, लगभग हर प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और न ही इन मामलों के दोषियों को कोई कड़ी सजा दिलवाने की कोशिश करती है। शायद इसीलिए देश भर में इस प्रकार के मामले सामने आते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि सरकार का ऐसे पेपर लीक करने में मौन समर्थन रहता है? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रोग्राम में बताई गई तमाम खबरों पर आपका क्या कहना है, क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।